Hi guys, welcome back to my channel Brides by Subhya. I hope you all are doing great. आज हम create करने वाले हैं classic old Bollywood style of makeup look, classic wing liner with red lips. ये look इतना glamorous और sophisticated yet royal दिखता है. It is very simple to create. Let's get started. And here's my beautiful model. Her name is Supriya. तो मैंने skin को अच्छे से clean कर लिया है और lenses लगा ली है. Lenses मैंने लगाई है hazel color की. Because eyes हम करने वाले हैं बहुत neutral और lips हम रखेंगे red. तो red के हिसाब से मैंने hazel color की lenses दी. Of course हम browns और greys भी दे सकते हैं. But hazel मुझे ये look के साथ better लग रहा था. Hazel lenses लगाने के बाद मैंने किया है skin prep. Skin prep के लिए मैंने बहुत creamy moisturizer लगाया है. वो इसके लिए लगाया है क्रीमी मॉइस्चराइजर क्योंकि आज जो मैं फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ वो फाउंडेशन ऐसा है कि वो लगाते साथ सेट हो जाता है. तो मुझे बेस एक ऐसा चाहिए जो अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे ताकि मेरा फाउंडेशन उस पर अच्छे से जाके बैठे, ड्राई और केकी ना दिखे. मॉइस्चराइजर को अच्छे से मसाज करेंगे. मॉइस्चराइजर जब आपका कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप फाउंडेशन लगाओ. अगर आपका स्किन प्रेप अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब नहीं हुआ है और फिर आप अपना फाउंडेशन या बेस मेकअप स्टार्ट करोगे तो आपका बेस मेकअप क्रैक होने लगेगा. कलर करेक्टिंग के लिए पहले मैं इनके स्किन टोन से जो क्लोज कंसीलर शेड है वो लगा रही हूँ ताकि वो लगाने के बाद मुझे एक आइडिया हो जाए कि मुझे कितना डार्क कंसीलर इसमें मिक्स करना है. स्किन शेड का कंसीलर लगाने के बाद जहाँ पे भी मुझे फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा डार्कनेस और ऐड करना है, मुझे और कवरेज चाहिए, वहाँ पे मैं अपना स्विस ब्यूटी का 01 शेड ऐड करूंगी और मैं फिंगर्स से एप्लीकेशन करूंगी और ब्रश से ब्लेंड करूंगी. फाउंडेशन के लिए आज मैंने यूज किया है चामसी मिलान का फाउंडेशन और ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है. आज तक मैं सारे मेकअप आर्टिस्ट की वीडियोस देखती थी अबाउट दिस फाउंडेशन एंड आई नेवर गॉट टू ट्राई इट. और अब जब मैंने इसे फाइनली ट्राई कर लिया है आई गेट व्हाट द हाइप इज अबाउट. बट एट द सेम टाइम इस फाउंडेशन को यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आपको इसके साथ बहुत फास्ट काम करना होता है. और इसके लिए मैं ये फाउंडेशन का जो स्किन प्रेप है उसमें थिक मॉइस्चराइजर प्रेफर करती हूँ और सेक्शन वाइज मैं इस फाउंडेशन के साथ वर्क करना प्रेफर करती हूँ. एक साइड पे लगा के दूसरे साइड पे लगा के ब्लेंड करके एंड देन आई लेयर इट. जैसे भी मुझे कवरेज लगता है कि मुझे और कवरेज ऐड करनी है वैसे मैं लेयर वाइज कवरेज ऐड करती जाती हूँ. ये फाउंडेशन ग्रेट है ऑयली स्किन के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. मैं ये फाउंडेशन ड्राई स्किन पे बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी बिकॉज ये बहुत मैट है और एकदम जाके आपकी स्किन पे सेट हो जाता है. नेक्स्ट हम लगाएंगे क्रीम ब्लश. क्रीम ब्लश के लिए अगेन मैंने अपना इनसाइड का क्रीम ब्लश यूज़ किया. ये ब्लश बहुत इजीली अप्लाई होता है और बहुत क्रीमी है और इसे ब्लेंड करना बहुत एफर्टलेस है और अफोर्डेबल भी है ऑफकोर्स. सो आई रियली लाइक दिस ब्लश. ब्लश का कलर जो है वो मैंने लिप शेड के हिसाब से चूज किया, तो हल्का सा वार्म शेड ही रखा है बिकॉज हमारा लिप्स रेड होने वाला है. फेस का सेंटर हाईलाइट करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का 10 शेड यूज कर रही हूँ और मैं उसे सिर्फ फेस के सेंटर पे ही अप्लाई करके ब्लेंड करूंगी. हुदा ब्यूटी के लूज पाउडर से मैं पूरे फेस को अच्छे से सेट करूंगी और लॉक करूंगी. क्योंकि मैंने मैट फाउंडेशन यूज किया था पाउडर की ज्यादा जरूरत नहीं है. बस मैं पाउडर का जो लेयर है वो बहुत लाइट रख रही हूँ स्किन पे ताकि जो हमारा बेस है वो मूव होने के चांसेस उसके बिल्कुल भी ना हो और वो अच्छे से सेट हो जाए. बेस जो है वो मैंने हल्का सा लाइट रखा है शेड में क्योंकि अभी हम पाउडर ब्रॉन्जिंग करेंगे, पाउडर ब्लश करेंगे, प्लस हमारा जो बेस है वो हल्का सा ऑक्सीडाइज भी होगा तो एट द एंड ऑफ द मेकअप वो स्किन कलर के साथ एडजस्ट हो जाएगा अच्छे से. नाउ फॉर आईज, मैंने आई प्रेप के लिए जो इनके स्किन टोन का कंसीलर था वही अप्लाई किया है. उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने हुदा ब्यूटी के पैलेट में से एक बहुत लाइट और न्यूट्रल ब्राउन शेड लिया है, उसमें हल्का सा वार्म शेड मिक्स किया है, वार्म ब्राउन शेड, और उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रीस वाले एरिया पे. मैं अपना जो कलर है वो क्रीस एरिया पे और आईज के आउटर कॉर्नर पे फोकस्ड रख रही हूँ और बाकी का जो हमारा फ्रंट एरिया और मिडिल लिड का एरिया है ना वहाँ पे मैं स्किन टोन का आई शेडो यूज करूंगी. मतलब मुझे आईलिड्स जो है वो ब्राइटेंड अप चाहिए और जो क्रीज है उसमें हल्का सा कलर चाहिए जो मेरे ओवरऑल लुक के साथ अच्छे से मैच हो
स्टिल सॉफ्ट दिखे, तो मेरे ब्लश और लिप कलर के साथ कोहेसिव हो ऐसा शेड मैं मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। यह आई मेकअप बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ कलर्स यूज़ नहीं हुए हैं, बस हमें एक मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश से जो कलर्स है वो पिक करके क्रीज पे अप्लाई करना है। आई मेकअप होने के बाद जो जेल लाइनर है वो मैं पैक का यूज़ कर रही हूँ, पैक का स्पॉटलाइट जेल लाइनर। ये बहुत क्रीमी और जेट ब्लैक जेल लाइनर है और इसे आपको सूखने के लिए टाइम देना है, जो मुझसे गलती हो गई, मैंने इसे प्रॉपर ड्राई टाइम नहीं दिया, बाद में ये आईलेट्स पे ट्रांसफर हो गया। उसे कैसे करेक्ट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो जेल लाइनर से मैंने एक बहुत ही क्लीन विंग लाइनर ड्रॉ किया है। अब इनके आईलिड स्पेस के हिसाब से लाइनर की थिकनेस मैंने डिसाइड की है। एकदम पतला या एकदम मोटा लाइनर भी मुझे नहीं चाहिए था, पतला होता तो वो जो मुझे ओल्ड बॉलीवुड ग्लैमरस लुक चाहिए वैसा इफेक्ट नहीं आता, और बहुत थिक होता तो पूरा आईलिड्स जो है वो इनका कवर हो जाता, आई शेडो प्रॉपर नहीं दिखता। तो मैंने मीडियम थिकनेस का विंग लाइनर लगाया है, और विंग लाइनर में आपको बस जो आप सिंपल लाइनर ड्रॉ कर रहे होते हो ना, उसी को बस बाहर एक्सटेंड करना है और नीचे से कनेक्ट करना है। बस आप पहले नीचे का एंगल ड्रॉ मत करो, जो बस आपका सिंपल लाइनर है उसको एक्सटेंड करो और नीचे से कनेक्ट कर दो, तब आपका दोनों विंग लाइनर इवन लगेगा। विंग लाइनर के बाद मैंने लोअर लैश लाइन पे वही सेम शेड्स यूज़ किए जो मैंने अपर लिप्स पे यूज़ किए थे क्रीज पे। सेम शेड्स मैं नीचे लोअर लैश लाइन पे भी यूज़ कर रही हूँ हल्का सा वार्म्थ देने के लिए। काजल वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया है मैंने। अब ये जो हमारा लाइनर ट्रांसफ़र हो गया है ऊपर आईलिड्स पे, इसे मैं एकदम कम्प्लीटली ड्राई होने दूंगी। जब ये एकदम कम्प्लीटली ड्राई हो गया है ना, उसके बाद मैंने अपने क्यूटिप पे हल्का सा माइसेलर वाटर लिया है और जितने एरिया पे लाइनर लगा है बस उतने एरिया से ही मैं इसे केयरफुली रिमूव कर रही हूँ। इसको आपको बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होने देना है, बस उतने ही एरिया पे आप डिटेल्ड एकदम उसको रिमूव करो। रिमूव करने के बाद जो भी मेरे कंसीलर ब्रश पे हल्का सा कंसीलर बचा था उसे मैं उतने एरिया पे लगा रही हूँ, और फिर जो मैंने आई शेडो कलर्स यूज़ किए थे क्रीज पे वो सेम वापस अप्लाई कर रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, इजीली क्लीन हो जाता है। बाद में मैंने अपना जेल लाइनर जो है वो लिक्विड लाइनर से सेट भी कर दिया था टू बी ऑन द सेफ साइड कि वो वापस से ट्रांसफ़र ना हो जाए। नाउ सुप्रिया का फेस ऑलरेडी बहुत स्लिम और स्ट्रक्चर्ड है, तो मैंने जो ब्रॉन्जिंग है वो बहुत हल्की सी दी है ताकि फेस पे कलर और वार्म्थ वापस आ जाए। मैंने फोरहेड पे, चीक बोन्स पे और जॉ लाइन पे तीनों पार्ट पे ब्रॉन्जर लगाया है, बट कम कम लगाया है। ब्रॉन्जर लगाने के बाद मैंने पाउडर ब्लश यूज़ किया है। पाउडर ब्लश भी मैंने एक बहुत वार्म पीच कलर का यूज़ किया है ताकि वो जाके ओवरऑल लुक के साथ मैच हो। ऑफकोर्स आप रेड लिपस्टिक के साथ एकदम ब्राइट पिंक ब्लश लगाओगे तो थोड़ा वियर्ड दिख सकता है, इसके लिए मैं सेम ऑरेंज और रेड्स की कलर फैमिली में ही पूरे लुक को रख रही हूँ। इसके बाद मैंने लगाया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, और ये हाइलाइटर बहुत ब्यूटिफुली ग्लो कर रहा है। मैंने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगाया है और बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है, इनफ क्वांटिटी लगाया है कि पूरे ओवरऑल लुक के साथ अच्छा भी दिखे, ओवर ना दिखे। फिर मैंने आईब्रोज फिल की है मार्स का आईब्रो पैलेट यूज़ करके, जैसे मैं यूजुअली करती हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने इनसाइड प्रोफेशनल की लिपस्टिक यूज़ की है इन द शेड फ्राइज बिफोर गाइज, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड शेड है। और ये लिपस्टिक का जो फॉर्मूला है ना वो मेबलिन सुपरस्टे लिपस्टिक से बहुत सिमिलर है। पिगमेंट थोड़ा कम है, दो बार लेयर करना पड़ता है, बट बहुत ब्यूटीफुली स्टे करता है। लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने लैशेज लगाई है। लैशेज आर फ्रॉम गौरी कॉस्मेटिक्स, जो मैं अपने सारे वीडियोज में यूज करती हूँ। ये मिंक लैशेज है तो बहुत नेचुरल भी दिखती है, स्टिल थोड़ा सा ड्रामा भी ऐड हो जाता है लुक में। एंड दिस इज आवर कंप्लीट लुक। ओवरऑल ये लुक के साथ जो हेयर स्टाइल है वो मैंने साइड पार्ट में स्लीक बन हेयर स्टाइल दिया है, और उसमें रोजेज और जिप्सीज ऐड किए हैं ताकि ओवरऑल ब्लैक साड़ी चोकर एंड एवरीथिंग के साथ पूरा लुक का जो वाइब है वो एग्जैक्ट हमारा ग्लैमरस ओल्ड बॉलीवुड स्टाइल लगे। और ये लुक इतना ब्यूटिफुल टर्न आउट हुआ है, इतना सिंपल है येट स्टिल ये इतना अच्छा दिख रहा है, और ये क्रिएट करना भी बहुत इजी है। बस इसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो हमारा विंग लाइनर है, बट आई एम श्योर प्रैक्टिस करोगे आप तो आपका विंग लाइनर भी परफेक्ट हो जाएगा। एंड आई होप जो मैंने आपको लाइनर क्लीन करने की टिप बताई है वो भी आपको हेल्पफुल लगी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सेम लुक को चेंज करके साउथ इंडियन लुक में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
प्लस उस वीडियो में मैं आपको एक और बहुत हेल्पफुल मेकअप मिस्टेक कैसे करेक्ट करते हैं वो भी बताऊंगी. एंड दिस वॉज द वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड आई होप यू गाइज फाउंड इट हेल्पफुल. आई होप आप लोगों को कुछ सीखने मिला इस वीडियो से. आई विल सी यू गाइज अगेन नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.